देश की राजधानी दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति को गणतंत्र दिवस से पहले यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये ज्योति इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित होगी। इंडियन आर्मी के एक अफसर के मुताबिक नेशनल वॉर मेमोरियल में वहां के एक समारोह में दोनों लौ को आपस में मिला दिया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे। आपको बता दें कि जो अमर जवान ज्योति है वो भारत पाक युद्ध के शहीदों की याद दिलाती है। अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले 3,843 भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। इससे पहली बार 1972 में प्रज्वलित किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 फरवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। और वहीं दूसरी ओर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण केंद्र सरकार ने 2019 में किया था। इसे 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों की सम्मान में बनाया गया था और 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। सरकार की तरफ से अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल लेकर जाने के फैसले पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने इसे अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ बताते हुए नहीं हटाए जाने की अपील भी की है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा है कि अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर अस्थाई रूप से स्थापित किया गया था। अब हमारे पास अपना एक वॉर मेमोरियल है तो इसे वहीं ले जाना बेहतर होगा। इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वो उन सैनिकों के हैं जो वर्ल्ड वॉर वन और एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए थे। ये हमारे गुलामी वाले समय की याद दिलाते हैं। 1971 के युद्ध समेत बाकी सभी युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज हैं। इसलिए वहां ज्योति जलाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही आपको बता दें कि 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1914 से 1921 के बीच पहले विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से शहीद होने वाले 84,000 भारतीय सैनिकों की याद में इसे बनाया था। इस पर उन सैनिकों के नाम भी खुदे हुए हैं। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।